भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग में वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो बात हो रही है यहां पर किसकी, यहां पर बात हो रही है ऐसे भारतीय क्षेत्र की जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बेसिकली भारत के लगभग भागों में, मैक्सिमम आधे से अधिक भागों में पर्याप्त वर्षा की व्यवस्था है, क्योंकि भारत का जो मानसून है वो उठ रहा है आपके अरब सागर से, यहां से जाता है, और भारत मानसूनी वर्षा के लिए फेमस है। लेकिन मानसूनी वर्षा उन्हीं क्षेत्रों में बेहतर होती है जहां पर उन्हें पर्वत से टकराकर वर्षा करने का मौका मिलता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के किनारे के क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा मिलती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ते हैं, और लगभग 35% क्षेत्र ऐसा है जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्लियर, आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हां, भारत का सबसे सूखा भाग है, सबसे ड्राई एरिया कौन सा है? चार विकल्प हैं आपके, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और गुजरात, और साथ साथ मध्य प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर बरसात का कम होना जो है किसी भी एंगल से जो है संभव नहीं है। गुजरात भी ऐसे ही कंडीशन में है, दोनों देश के दो छेर छोर पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी ऐसा है जो पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन जो आपके दक्षिण भारत के से उठने वाला ये मानसून है, जब यहां पहुंचता है मेघालय, यहां पर टकराने के बाद जब वो हिमालय की तरफ घूम करके बढ़ता है, तो जम्मू कश्मीर तक जाते जाते इसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है, इसमें जल की बूंदें खत्म हो जाती हैं, और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पूरी तरह से वर्षा विहीन रह जाता है, लगभग ड्राई एरिया है। तो सबसे ज्यादा सूखा भाग है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा भारत की जलवायु है, बहुत सिंपल सी बात है, विषुवत रेखा के भारत ऊपर है, तो विषुवत रेखा के जब ऊपर है भारत, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो विषुवत रेखीय जलवायु होने का कोई भी चांस नहीं बनता। तो यहां पर विषुवत रेखीय जलवायु नहीं हो सकती। भूमध्य सागर भारत के इर्द गिर्द कहीं नहीं है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु भी नहीं होगी। हां, मानसूनी या महाद्वीपी में से कोई एक हो सकता है, लेकिन महाद्वीपी जलवायु भारत में नहीं है। भारत की जलवायु मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि 12 महीने यहां एक जैसा मौसम नहीं रहता, समय के हिसाब से मौसम बदलता है। आपके यहां 4 महीना शीत ऋतु, 4 महीना ग्रीष्म ऋतु और 4 महीने की वर्षा ऋतु है, 3 ऋतुएं हैं। तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है मानसूनी। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। जी हां, अक्टूबर और नवंबर, हमारे यहां बरसात का मौसम कब शुरू हो रहा है? जुलाई से शुरू हो जाता है, 21 जून के बाद मानसून आने की व्यवस्था बन जाती है, और साथ साथ 4 महीने लगातार मौसम बना रहता है। ठीक, अभी भी बरसात चल रही है, तो अक्टूबर और नवंबर बेसिकली ठंड का मौसम आ जाता है, और ठंड के मौसम में जो आपके यहां वर्षा हो रही है वो कहां पर होती है? छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर, मालवा पठार में, या गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर? तो बिल्कुल नहीं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर यह वर्षा नहीं होगी। ठीक, छोटा नागपुर पठार बेसिकली झारखंड का क्षेत्र है, यहां पर भी मानसूनी वर्षा होती है और जून से लेकर के सितंबर तक के बीच ज्यादातर वर्षा हो जाती है। अब बचा आपका कोरोमंडल तट और मालवा का पठार। तो आपका जो कोरोमंडल तट है, यहां पर यह है कहां से कहां तक? कोरोमंडल तट आपका आंध्र प्रदेश से कहां तक है? तमिलनाडु तक। ये बेसिकली पूर्वी तट है आपका, कौन सा? पूर्वी तट है। तो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के मध्य का जो क्षेत्र है, यहां पर लौटता हुआ मानसून भी वर्षा करता है, और यहां पर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून भी वर्षा कर देता है। तो बेसिकली आपका उत्तर होगा कोरोमंडल तट। क्लियर, तो कोरोमंडल तट पर आपके यहां अक्टूबर और नवंबर में वर्षा हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? आर्द्र स्थान का मतलब समझ रहे हैं, आर्द्र स्थान का मतलब होता है कि ऐसा स्थल जहां पर सर्वाधिक वर्षा पाई जा रही हो।
तो इसके पहले तो चेरापूंजी हुआ करता था। चेरापूंजी बेसिकली है कहां, ये मेघालय में है, और आज चेरापूंजी नहीं है। आज मेघालय का वह स्थान है, मेघालय का ही एक स्थल है जो मेघालय के पूर्वी खासी जिले में है, पूर्वी खासी जिले में है, जिसका नाम है मासिनराम या मौसिनराम भी कहा जाता है इसे। तो मौसिनराम कहां है, मेघालय के पूर्वी खासी जिले में है। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हां, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है मेघालय, कश्मीर में लेह, कोरोमंडल तट या कोंकण तट। ठीक, तो कोंकण तट आपका पश्चिमी हिस्से में है, कोरोमंडल आपके पूर्वी भाग में है। अब बचा मेघालय, मेघालय सबसे अधिक वर्षा पाता है, और प्रश्न है कि सबसे कम, प्रश्न आपका है कि सबसे कम आर्द्र, सबसे कम वर्षा वाला स्थान। तो मैंने अभी अभी बताया कि जब आपका मानसून मेघालय में टकराता है तो यहां से वो इस हिमालय के किनारे किनारे ऊपर की तरफ जाता है, और जम्मू कश्मीर में पहुंच करके मानसून की स्थिति एकदम नाजुक हो जाती है। तो कश्मीर का लेह ऐसा स्थान है जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है। अगले सवाल पे आते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है। जलसंभर, जलसंभर ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां जल का भराव होता है, जल का जमाव होता है। जल विभाजक उस भूक्षेत्र को कहते हैं जहां से जल दो हिस्सों में बट जाता है। ठीक, जैसे फरक्का है, वहां पर जल विभाजक है, आगे हुगली निकल जाती है, और सॉरी एक तरफ हुगली निकल जाती है और एक तरफ भागीरथी। तराई क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो दलदली क्षेत्र होता है, तो तराई आपका दलदली क्षेत्र है। अब आपके साथ एक ही विकल्प बचा और वो है दोआब। ठीक, तो दोआब जो है दो नदियों के बीच का उपजाऊ मैदान होता है जहां पर फसल उगाना सबसे लाभप्रद माना जाता है, सबसे ज्यादा उर्वर क्षमता होती है। अगला सवाल आपका ये रहा, भारत में प्रायद्वीपी नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन। तो प्रायद्वीपी नदियों की अगर आप बात करें तो प्रायद्वीपी नदियों में आता कौन कौन है। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे ऊपर आपकी है गोदावरी। ठीक, गोदावरी के बाद नीचे उसके नंबर है किसका, कावेरी नहीं कृष्णा। ठीक, नंबर उसका दूसरे नंबर पर कृष्णा है, और लास्ट में सबसे है कावेरी। ठीक, ये तीन नदियां प्रायद्वीपी हैं। उसके साथ साथ नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों प्रायद्वीपीय नदियां हैं। महानदी है वो प्रायद्वीपी है। इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सी नदी है इन सभी नदियों में जो सबसे ऊंचाई से निकलती है, सबसे ऊंचा निकास बेसिन है। जी हां, कौन बता रहा है इसका उत्तर, 8 नंबर सवाल है। देखिए, यह वो नदी है जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है जिसकी ऊंचाई है 1738 मीटर। यह 1738 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और उस पर्वत का नाम है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर किस पर्वत श्रेणी का है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट की बात हो रही है यहां पर। तो आपका राइट आंसर होगा कृष्णा। मैंने नदी पढ़ाया है, जिन लोगों ने पढ़ा है वो इसका आराम से उत्तर कर लिए होंगे। कृष्णा नदी ऐसी है जो सब पश्चिमी घाट की नदियों में सबसे ऊपर से निकल रही है। यह रहा आपका अगला सवाल, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपी भारत की बात यहां फिर हो गई। तो प्रायद्वीपी भारत की नदियों को मैंने एक बार आपको बताया है, इनमें से एक नदी ऐसी है जो 1465 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 1465 किलोमीटर लंबी है। कौन सी है वह नदी, इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से होता है। ठीक, तो कहां से उग रही है नदी, कहां से उद्गम हो रहा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के किस जिले से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम हो रहा है। जिस नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है त्र्यंबक, यह है त्र्यंबक पहाड़ी से उद्गम, इसका उद्गम होता है, और वो नदी है आपकी गोदावरी। ठीक, पर आपके प्रायद्वीपी भारत की पहली नदी है सबसे ऊपर। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्लियर, अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। जी हां, तिब्बत में सांगपो, ये ऐसी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत से होता है लेकिन
तिब्बत के बाद यह भारत में प्रवाहित होती है, भारत के बाद यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और अपने अंतिम समय में इसका नाम हो जाता है जमुना। कई नामों से जानी गई, तो जब यह तिब्बत में बहती है तो तिब्बत में यह कहलाती है सांगपो। तिब्बत में यह किस नाम से जानी गई है? सांगपो। और उसके बाद ये आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल में इसे नाम मिला है, तीखा मुंह लेकर के मूर्ति है, और अरुणाचल में इसे नाम मिला है क्या? दिहांग। किस नाम से अरुणाचल में गानी गई है? अरुणाचल में इसका नाम है दिहांग। ठीक, दिहांग। अरुणाचल के बाद ये बेसिकली जब इसका उद्गम होता है तो ये पूरब दिशा में बहती है, फिर अरुणाचल से ये पश्चिम दिशा सॉरी दक्षिण दिशा में बहते बहना शुरू होती है, फिर ये असम में प्रवेश करती है और फिर उत्तर सॉरी पश्चिम दिशा में बह रही है। तो पहले ये पूर्व दिशा में बह रही है, फिर ये दक्षिण दिशा में बह रही है, फिर ये उत्तर दिशा में बह रही है। इस नदी का ब्रह्मपुत्र नाम है जो असम में बुलाया जाता है। असम के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहां इसका नाम जमुना है, और जमुना जब गंगा में मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना, क्योंकि पद्मा में मिलती है बेसिकली, ये गंगा का नाम यहां पद्मा हो चुका है, तो इसका रियल आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा आपका 11वां सवाल। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी बेसिकली सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत से। तिब्बत में किस पर्वत से है ये भी बताते हैं। जिस ग्लेशियर से निकलती है नदी उसका नाम है शेरमुख। क्या नाम है? शेरमुख ग्लेशियर के नाम से ग्लेशियर जाना जाता है। तो सिंधु आपके शेरमुख ग्लेशियर से निकलती है और हिमालय पर्वत को पार करती हुई ये कश्मीर में बहती है, और कश्मीर में बहने के बाद ये चली जाती है पाकिस्तान, या पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। इस नदी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में एक समझौता हुआ जिसे आप कहते हैं सिंधु नदी जल समझौता, और ये निकलती है कैलाश पर्वतमाला से, इसी पर आपका शेरमुख ग्लेशियर है। क्लियर, चलते हैं आपके अगले सवाल पर। ठीक, यस, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। जी हाँ, निम्न में से कौन सी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी, वो नदी जो हिमालय से नहीं निकली है या हिमालय से उस पार से निकलती है। ठीक, ऐसी नदी जो हिमालय के दूसरी तरफ से निकलती है। तो गंगा तो भाई अलकनंदा और भागीरथी के रूप में हिमालय से ही निकल रही है, यमुना यमुनोत्री हिमालय से ही निकल रही है, रावी आपके हिमाचल प्रदेश में है तो हिमालय से ही निकल रही है, एकमात्र नदी बची सतलज ये निकलती है तिब्बत से। बेसिकली तिब्बत से यह नदी निकल कहां रही है? हिमालय पार तिब्बत के मानसरोवर झील के बगल से निकलती है। वहां से तीन नदियां निकल रही हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। तो जो है यह सतलज नदी आपके हिमालय के परे की नदी, हिमालय से पार की नदी है, और यह हिमालय पार करके भारत में प्रवेश करती है और पंजाब के पास यहां पर ब्यास, पंजाब में इसमें ब्यास मिलती है और यह जाकर के चुनाव में मिल जाती है। क्लियर, तो यह भी सिंधु नदी तंत्र का ही तंत्र रहा एक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यह दो बार रिपीट हो गई है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यह रिपीट सवाल नहीं है। यहां पर सतलज आपको नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, यह राइट आंसर क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां पर जो चार नदियां दी गई हैं उनमें से दो नदियां रिपीट हैं। एक तो गंगा, गंगा बेसिकली आपके गंगोत्री से निकल रही है जो अलकनंदा और साथ साथ भागीरथी रूप में निकल रही है, देवप्रयाग में मिलती है ये। ठीक, देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा नाम से जानी जाती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और गंगा के पैरलर बहती हुई इलाहाबाद में संगम बनाती है। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी हमारी सभ्यता की नदी है, इसका माना जाता है कि यह आंतरिक नदी है और इसका भी मिलन यह है इलाहाबाद में संगम पे होता है, गंगा यमुना सरस्वती। और यहां पर सिंधु नदी एकमात्र नदी बची जिसका उद्गम जो है भारत के बाहर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? मानसरोवर झील के निकट शेरमुख ग्लेशियर से। कहां से? शेरमुख ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। जम्मू कश्मीर में बहती हुई यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान की यह मुख्य नदी है। क्लियर, यस। अगला सवाल ये रहा, भारत में कौन सी नदी का को खुला नाला कहते हैं? नाला, ठीक, एक मूवी देखी थी तो मुझे याद आया कि हाँ यह नाला हो सकती है। बेसिकली वह नदी अपने प्रदूषण के कारण, खुला नाला इसलिए कही जाती है क्योंकि यह अति से अधिक प्रदूषित है। क्या है? खुला नाला कहने का कारण है इसका
प्रदूषण, क्या है प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। और बेसिकली यह नदी आगरा तक आते आते पूरी तरह से यह मान के चलिए नाले जैसे रूप में आ जाती है, और वह नदी है आपकी यमुना, यमुनोत्री से निकलती है, इलाहाबाद में यह गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती है, और इसकी सहायक नदियों में केन बेतवा भी शामिल है जो मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? भागीरथी, ठीक, ये और एक मिनट, ठीक, भागीरथी का प्रवाह कुछ इस प्रकार है और अलकनंदा का प्रवाह कुछ इस प्रकार है, ठीक, दोनों एक जगह आकर के मिलती हैं, और जिस जगह पर आकर के मिलती हैं उसे कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहते हैं आप? देवप्रयाग कहते हैं, और यह देवप्रयाग उत्तराखंड में है। कहां पर है ये? ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के किस जिले में है? उत्तराखंड के चमोली जिले में है। किस जिले में है? चमोली जिले में है। यहां पर जिन नदियों का संगम होता है उसे आप कहते हैं, ये है आपकी भागीरथी और ये है आपकी अलकनंदा। क्लियर, तो ये दो नदियों से मिलकर के गंगा नाम से जानी जाती है। तो बेसिकली यहां पर दो प्रयाग और दिया है, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जब इस अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है, कौन सी? पिंडार नदी मिलती है, यहां पर पंचप्रयाग बनता है, पांच प्रयाग है, तो कर्णप्रयाग बनता है पिंडार नदी के मिलने से। और दूसरा है जो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आपका बनेगा मंदाकिनी के मिलने से। किससे? मंदाकिनी नदी के मिलने से यह बनता है रुद्रप्रयाग। क्लियर, तो चलते हैं अगले सवाल पर। आपका उत्तर होगा देवप्रयाग। यस, बिहार का विषाद या शोक कहते हैं। बिहार, अभी भी बिहार के लिए नदी आज की डेट में भी समस्या बनी हुई है। बिहार बाढ़ से प्रभावित है, बार बार यह नदी अपना मार्ग बदल देती है। तो इस नदी की समस्या सबसे बड़ी यह है कि यह नदी अपना मार्ग बदलने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम बेसिकली होता है नेपाल से। यह नेपाल से सात धाराओं से उद्गमित होती है, सात धाराएं हैं, लेकिन इसकी जो मुख्य धारा है उसका नाम है अरुण। मुख्य धारा का नाम क्या है? अरुण नाम है, और यह अरुण नाम की नदी उद्गम होती है कहां पर? तिब्बत में। तिब्बत में यह नदी निकलती है, लेकिन नेपाल में सात धाराओं के मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है कोशी। क्या हो जाती है ये? कोसी। और नेपाल में ये जिस जगह से निकलती है, सॉरी तिब्बत में, उसका नाम है गोसाईनाथ। क्या नाम है? गोसाईनाथ नाम है। तो गोसाईनाथ से निकलती है, उस नदी का नाम है कोसी। कोसी अपने मार्ग बदलने के कारण बिहार के लिए शोक बन जाती है, क्योंकि बार बार बिहार में बाढ़ पीड़ित होने का कारण है उसका मार्ग बदलना। क्लियर, आते हैं अगले सवाल पर। जी हां, जो आपका 17वां सवाल है, प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? ठीक, प्रायद्वीपी भारत की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, तो जल्दी से इसका आंसर दें। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिल रही है? जी हां, 17 नंबर सवाल, देखिए ये आपका प्रायद्वीपी भारत है, जो पश्चिमी घाट से मैक्सिमम नदियां निकलती हैं उनका प्रवाह पूरब की ओर है। ठीक, तो इसमें कावेरी है, कृष्णा है, आपकी गोदावरी है, ये टोटल की टोटल गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिर रही है जो अरब सागर में नहीं गिर रही है? वो है कावेरी। ताप्ती, नरपेरियार और नर्मदा, ये तीनों के तीनों जो है इस तरफ बहती है, यहां से ऐसे बह रही है, तो ये कहां गिर रही है? अरब सागर में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कावेरी जो है आपके अरब सागर में नहीं मिलती, बल्कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। क्लियर, तो अगला सवाल आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जी हां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है? ठीक, तो एस्चुरी और डेल्टा कैसे बनता है पहले ये जान लीजिए। ठीक, एस्चुरी और डेल्टा का जो कॉन्सेप्ट है, जो नदियां मैदान से प्रवाहित होंगी तो अपने साथ गाद ले जाएंगी, कचरा ले जाएंगी, और ये गाद और कचरा मिलकर के क्या बना देता है? ये गाद और कचरा मिलकर बना देता है डेल्टा। लेकिन जो नदी घाटियों के मध्य बहेगी, वहां पर चट्टानों के
कठोर चट्टानों के मध्य बहेगी तो अपने साथ गाद और कचरा नहीं ले जा पाएगी, तो वो नदी सदैव क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, और वो एस्चुरी बनाने वाली नदी का नाम है नर्मदा। ठीक, यह घाटों जो है पर्वतों के मध्य बह रही है, इसलिए बेसिकली नर्मदा आपके मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक से निकलती है, और ये गिर कहां रही है, नर्मदा आपकी मैकाल से निकल रही है। मैकाल अमरकंटक का हिस्सा है, अमरकंटक आपका है एमपी में, मध्य प्रदेश में, और ये उल्टी बहती हुई पश्चिम दिशा में बहती हुई कहां गिर रही है, ये गिरती है अरब सागर में। कहां पर, अरब सागर में ये नदी गिर रही है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलें। जी हां, इस सेशन का 19वां सवाल ये रहा। ठीक, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। जी हां, भारत एक ऐसा देश है जहां मरुस्थलों में भी नदियां बहती हैं। जी हां, एक नदी ऐसी है जो अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी है, और यह नदी अरावली में निकलती कहां से है, राजस्थान से। ठीक, तो वह नदी जो अरावली से निकलती है, अरावली में, अरावली के राजस्थान वाले हिस्से से निकलती है, और राजस्थान के किस जिले से निकलती है, कोई आंसर दे सकता है इसका। जी हां, अजमेर जिले से। कहां, अजमेर जिला, जहां पुष्कर की पहाड़ियां हैं। ठीक, क्वेश्चन बनता है कि पुष्कर की पहाड़ियों पर पानी बरसता है तो बाढ़ कहां आती है, अजमेर में आता है। ठीक है, तो यह नदी है जो यहां से निकलने के बाद कच्छ के रण में, कच्छ का रण कहां है, कच्छ आपका गुजरात का हिस्सा है, इस नदी का नाम है लूनी। ठीक, तो यह अस्थलगामिनी नदी है, अस्थल से निकल रही है, और अस्थल में ही इसका विलय हो जा रहा है, यह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। यस, ये रहा आपका आखिरी सवाल। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में है। तो माजुली की बात करें, माजुली आपके जिस नदी पर है इसकी बात कर लेते हैं, यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह देखें अगर, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में है, भारत में प्रवाहित हो रही है, और माजुली द्वीप आपका भारत में, क्योंकि चारों राज्य भारत के हैं। भारत के मात्र दो राज्यों में इसका प्रवाह है, एक का नाम है अरुणाचल और दूसरे का नाम है असम। ठीक, तो यह माजुली द्वीप आपके असम में है। कहां पर है, असम में है, और बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन दुर्भाग्यवश 1992 से आज तक इसके लगभग 200 वर्ग मीटर का क्षरण हो चुका है। प्रायः उसका कारण है पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण यह माजुली द्वीप धीरे धीरे संकट की अवस्था में आ रहा है, लेकिन यह है कहां, असम में। ओके गाइस, तो ये रहे आज के 20 सवाल। ये सेशन आपको कैसा लगा,